तो पावर बीआई में हम बात कर रहे हैं टेबल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा, राइट। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे आप एक्सेल में यूज करते हैं, देखिए एक्सेल में जितना यूज करते हैं उतना तो नहीं होता, लेकिन कुछ हद तक होता है। तो यहां टोटलिंग में जहां पे आप क्वांटिटी रखते हैं इसका टोटल आता है, क्योंकि कंडीशनल टोटल पे ही होता है, तो टोटलिंग पे आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना होगा। तो आप क्या करें, इस पे क्लिक करें और ऊपर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग आ रहा है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या करना है, आपको बैकग्राउंड कलर करना है, फॉन्ट कलर करना है, डेटा वाल चाहिए, आइकन चाहिए, या कोई वेबसाइट का यूआरएल चाहिए, राइट। एक एक करके हम सारों देखते हैं। हमने बैकग्राउंड कलर की बात कर ली, क्लिक किया, क्लिक करते ही ओपन आ गया। अब यहाँ पे किस पे लगाना है, सम ऑफ क्वांटिटी जो है हमारा फील्ड उसपे, इस पे चल रहा है, क्वांटिटी पे चल रहा है, समराइजेशन सम। अब यहां पे हमने देना है अपना कंडीशन, ये आपका डेटा बार लगा हुआ है, बैकग्राउंड कलर ओनली दिख रहा है ना, तो लोवेस्ट वैल्यू कस्टम मैं कर देता हूं, मतलब कि लोवेस्ट जो होगा 10 20 22,000 आपके, और हाईएस्ट वैल्यू में कस्टम में हमने यहाँ पे डाल दिया, मान लीजिए 2,800, और हाईएस्ट वैल्यू के लिए हमने कलर डेटा बार बनाना है, ठीक है सर। क्या बना दिया, कलर स्केल। यहाँ से रूल्स जो है, रूल्स दे सकते हैं कि क्या रूल्स होना चाहिए यहाँ पे अपना, या यहाँ पे फिल वैल्यू पे अपना कलर लगा सकते हैं, कि भाई फिल वैल्यू अपना जैसे कि क्वांटिटी हो गई हमारी, वैल्यू वाली, वो सिर्फ नाम के लिए देगा इसमें, तो सर ये नाम पे लेगा। तो कलर स्केल पे ही हमने अपना डाटा डाल दिया। एक एक करके देखते हैं यहाँ पे, ठीक है 20, और यहाँ पे हमने हाईएस्ट वैल्यू में कस्टम गए, और यहाँ पे हमने 50 डाल दिया, और यहाँ से अपनी हमने ब्लू सेलेक्ट कर लिया। ओके, मिडल में भी चाहिए तो आप मिडल में भी अपना डाल सकते हैं कस्टम। 30 नहीं, मैं यहाँ पे 50 कर देता हूँ, ओ सॉरी 20 आ गया, 2,000 है यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा 2,500 है, यहाँ पे 2,800, ठीक है। ये गलत हो गया यहाँ पे सर, ये 25,000 हो गया है। और इस किस फील्ड पे बेस्ड ऑन कौन सा फील्ड है, तो क्वांटिटी है, ठीक है। ओके, और सम पे तो लगाना फिर है, हाँ सम पे लगाना एवरेज पे लगाना है वो, ठीक है सर, अभी हमने सम रख रखा है तो ओके। है। ओके सर, ओके सर, अब मान लीजिए मुझे नाम को भी इसी तरह से करना है, तो कैसे करेंगे, तो वापस हम कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आएंगे, नेम वाले, बैकग्राउंड कलर दिख गया। अब यहाँ पे कलर स्केल है, अब यहाँ पे फील्ड नेम है, बेस ऑन फील्ड हमारा क्वांटिटी है, सम 0, और मान लीजिए कि यहाँ पे हमने अपना कस्टम में गए, और यहाँ पे 2,000, और यहाँ पे हमने कस्टम में, यहाँ मैंने 2,800 लिख दिया, और यहाँ हमने कलर जो है रेड ले लिया। ओके, ओके तो इस तरह से जिस फील्ड पे करना है उस फील्ड को कीजिए, कंडीशन फॉर्मेटिंग आ जाएगा बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड कलर में हमने यहाँ पे ऊपर सेलेक्ट किया है स्केल, क्या किया हुआ है, कलर स्केल। और रूल्स की बात करें तो यहां आता है बेस ऑन फील्ड, सम ऑफ क्वांटिटी है, समराइजेशन सम करना है, राइट। अब यहां पे हमें लिखना है कि इज ग्रेटर देन, हमने बोला 50% के जगह पे नंबर, राइट।
और एंड वगैरह जो है इसमें एंड का ऑप्शन भी है, तो मैंने यहाँ से कलर दे दिया मान लीजिए ब्लैक, ग्रेटर देन 50 नहीं किया मैंने यहाँ पे, ग्रेटर देन 2000 किया, 2500 में, ठीक है। और यहां पे हमने इज लेस देन इक्वल टू 3000 नंबर, दोनों आपको देना पड़ेगा यहां पे, न्यू रूल्स करिए और इसमें नया रूल्स अपना ऐड कर सकते हैं। ओके सर, रूल्स में ये होता है। ओके रूल्स के बाद जो अगला आता है वो आता है फिल्ड वैल्यू बैकग्राउंड में। तो रूल्स में हम बात करते हैं फिल्ड वैल्यू, फिल्ड वैल्यू में यहाँ पे वैल्यूज ओनली या वैल्यूज एंड टोटल्स या फिर टोटल ओनली। तो वैल्यूज एंड टोटल्स को सिलेक्ट करते हैं और यहां से हम क्वांटिटी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है हो गया। इसमें सेक्स सेल सिलेक्ट हो रहा है बेस्ड ऑन वैल्यू, किस पे बेस्ड है, जैसे टेक्स्ट के लिए होता है सिर्फ, समझे। ओके सर, तो देखिए नंबर को भी सिलेक्ट कर रहे, नहीं हो रहा है नंबर, नहीं हो रहा है ना, नहीं, जैसे मान लीजिए हमने एरिया सिलेक्ट कर लिया, हो गया फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट एंड ऑफ, बट इससे क्या फर्क पड़ा पता नहीं चला सर, लाइक इसका यूज हमने कभी किया नहीं है सर, ठीक है। अब इसको एक बार आप एंड से ट्राई कीजिएगा कि फील्ड वैल्यू में क्या यूज है। उसके बाद इसी में एक चीज हो गई, तो बैकग्राउंड कलर के लिए था सेम, इस तरह से आपका फॉन्ट कलर के लिए ऑप्शन है सेम, बस आपकी जो टेक्स्ट कलर है वो अप्लीकेबल होता है। इसी में अगर हम बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, अगर नेक्स्ट फॉन्ट कलर, तो आइकन्स हम यहाँ पे मान लीजिए कि आइकन देना चाहते हैं, जो आइकन देना चाहे दे सकते हैं, यहाँ से आइकन आप चूज कर सकते हैं। ओके ओके सर, आइकन अपने हिसाब से आइकन अपने हिसाब से आइकन चूज कीजिए, और किस कंडीशंस में परसेंट है, कितने परसेंट पे या नंबर पे, जो हमने अभी बताया था आपको उसमें कैसे यूज करेंगे, कौन सा आइकन यूज करेंगे, और ये रूल सिलेक्ट होगा यहां से आप फील्ड वैल्यू में सिलेक्ट कीजिएगा। ओके सर, तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग हर फील्ड पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है ये कंडीशन फॉर्मेटिंग सिर्फ जो होता है सिर्फ टेबल पे होता है या फिर कोई और विजुलाइजेशन पे भी हो सकता है। तो आपके सामने हमने एक विजुलाइजेशन अपने हिसाब से एक विजुलाइजेशन लिया है, इसमें मैंने नेम बाय क्वांटिटी का टोटल रख दिया, हो गया। अब इसमें पास यहाँ पे फिल नेम दिख रहा है आपको, यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, नहीं दिख रहा है, नहीं। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग जो अप्लीकेबल होता है वो सिर्फ आपके टेबल पे होता है, ठीक है, वो सिलेक्टेड पार्ट पे होता है। अब कंडीशन फॉर्मेटिंग और दोनों टेबल चार्ट की अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें, ठीक है सर। ओके सर, बाकी सर पे होना चाहिए सर, इन पे भी नहीं है ना सर, बाकी फील्ड पे होता है ना सर सिर्फ। ओके सर, ठीक है, ओके इसकी प्रैक्टिस कीजिए।